हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये हमारा सेकंड पार्ट सीपीए मार्केटिंग फ्री कोर्स का, 3.0 फ्री कोर्स, सीपीए मार्केटिंग फ्री कोर्स। यस गाइस, और आज की वीडियो में आप जानोगे सीपीए मार्केटिंग की बेसिक्स के बारे में, सीपीए मार्केटिंग होता क्या है और एफिलिएट ऑफ मार्केटिंग एंड सीपीए मार्केटिंग का डिफरेंस क्या है। बल्कि ये तो एक पार्ट ही है एफिलिएट मार्केटिंग का, बट यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाए। बिकॉज ये जो हमारा 3.0 फ्री कोर्स है, जिसका मैंने नाम रखा है सीपीए मार्केटिंग का, जो प्रो लेवल का कोर्स है, 3.0 फ्री सीपीए मार्केटिंग कोर्स। तो ये जो कोर्स है अपना, देखो ये मैं चाहता हूं कि यहां मैं एक एक चीजें, मतलब एक एक चीजें जो छोटी सी छोटी चीजें, उन सब चीजों को लेके आऊं और आपके सामने रख दूं। बिकॉज मुझे पता है जो इंडिया में जो लोग वीडियो बनाते हैं, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग बनाए हो, चाहे वो सीपी मार्केटिंग बनाए हो, वो वीडियोस बनाते हैं गाइस जो बाहर के लोग आपको फ्री में दे देते हैं, और यहाँ के लोग आपको वही चीज पैसों में बेचते हैं। कितने में बेचेंगे? 6,000, 5,000, 4,000, उतने में आपको बेचते हैं जो चीज लोग, और उससे भी प्रो लेवल की चीज, ठीक है, जो इससे भी, मतलब जो लोग आपको यहाँ पर इंडिया में ना बेच रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग या सीपी मार्केटिंग का कोर्स, उससे भी प्रो लेवल का कोर्स आपको बाहर से फॉरेन से फ्री में वो लोग एज अ वैल्यू दे देते हैं। गाइज मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, एक फेस दिखा रहा हूँ। ये फेस इंडिया में, ये फेस, ये लेवल चल रहा है इंडिया में। आज भी लोग इंडिया में ब्लॉग करके या वेबसाइट बना के एफिलिएट बना बता रहे हैं कि आप ऐसे एफिलिएट कर सकते हो, और फॉरेन के लोग हमसे कई गुना आगे हैं। वो लोग फनल पे रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग नई चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज हम वहां ही अटके हैं। यही एक मेजर प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। खैर वो तो हो गई दूसरी बात, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ सीपीए मार्केटिंग का बेसिक, आप इसको जरूर देखना। और जैसा कि मैंने कहा है कि हर वीडियो शॉर्ट होगी, ताकि आप लोग शॉर्ट टाइम में पूरे चीज को कैप्चर कर सकें, वीडियो ज्यादा बोरिंग ना हो। और आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है, जो चल रहा है हमारा सीपीए मार्केटिंग 3.0 फ्री कोर्स, वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करके जाओ और कमेंट में लिखा करो, यस I am watching daily, please इतना तो क्या करो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते जाए। So let's get started. So guys, my name is Tier, I'm the best in the world. Yes guys, and you are watching online money as usual. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीपीए मार्केटिंग के बारे में, सीपीए मार्केटिंग बेसिक्स के बारे में, और बहुत ही जल्द, बहुत ही छोटी वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको समझा रहा हूँ कि सीपीए मार्केटिंग क्या होता है। So, सबसे पहले CPA क्या है? ये CPA, देखो CPA का तो फुल फॉर्म बहुत अलग अलग निकाल दिया गया है, बहुत सारे इसके फॉर्म बना दिए गए हैं, बट इसका जो मेन काम है वो यही है कि कॉस्ट पर लीड, यस गाइस, कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर एक्शन, CPL या CPA, कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर लीड, इजी, सी से कॉस्ट, पी से पर, और ए से एक्शन, या तो CPL, सी से कॉस्ट, पी से पर, एंड एल से लीड, कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर लीड। तो अब इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब यही हुआ कि सीपीए मार्केटिंग में आपको किसी कस्टमर का, ठीक है, आपके ऑफर से रिलेटेड, किसी कस्टमर का आपके ऑफर से रिलेटेड आपको बस डाटा उठा के एक नेटवर्क तक पहुंचाना रहता है। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्ट पर एक्शन या सीपीए मार्केटिंग। ओके, सो सीपीए मार्केटिंग को और डिटेल में जानने के लिए, इसके प्रोसेस को डिटेल में जानने के लिए चलते हैं बोर्ड पे। सो एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है इस प्रोसेस में, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैं हर चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, ताकि बाद में कोई भी डाउट ना रहे। सो प्लीज सही से चीजों को देखो। देखो होता क्या है गाइस कि एक कंपनी होती है, ठीक है, वो कंपनी कोई सी भी हो सकती है, ऐसी कोई ऐसी कंपनी नहीं होती जिसको लीड्स की जरूरत नहीं होती। इसलिए हर कंपनी यहाँ पर आप मान सकते हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो मोबाइल की हो, कंप्यूटर की हो, पाउडर की हो, क्रीम की हो, वॉट एवर, हर चीज की कंपनी को लीड चाहिए होता है। तो ये जो चीज है, यहां पर आप किसी भी कंपनी को रख सकते हो। जो अब सेकंड चीज आता है, दैट इज कॉल्ड सीपीए नेटवर्क, जिसको आप रजिस्टर करते हो, जिसके लिए आप रजिस्टर करते हो, और जहां से आप सीपीए मार्केटिंग करते हो, उस नेटवर्क में ये जो कंपनी है, यहां पर आके यहां पर अपना जो जो भी इनका ऑफर रहता है उसको लिस्ट करती है। देन आती है हम लोगों की बारी, हम लोग यहां पर रहते हैं और हम जाते हैं यहां पर, और जाते हैं यहां अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और यहां से हम जो ऑफर रहता है उसको लेते हैं। देन
क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है बहुत सारी चीजें लाइक सोशल मीडिया एड्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें, मतलब पूरा फंक्शन यहाँ हम लोगों के लिए खुले रहता है जिसको हम कस्टमर बोल सकते हैं। यहाँ हमारे पास अनलिमिटेड कस्टमर्स हैं, तो ये ऑफर को हम उठा के, जो हम लोग जो है इस ऑफर को उठा के हम उनके कस्टमर तक ले जाते हैं। कस्टमर को चीजें पसंद आती हैं, जो यहाँ से आपने ऑफर उठाया है इस कस्टमर को पसंद आता है, तो वो वहां पर अपना जो भी डाटा रहता है उसको फिल करता है। जस्ट वो जैसे ही फिल करता है वो डाटा इस नेटवर्क के पास चले जाता है, और वो ये नेटवर्क जो है ये नेटवर्क उठा के कंपनी को डाटा दे देता है, और ये जो कंपनी रहती है इसको कुछ पैसे देती है, जिसमें से इसका जिसमें से कुछ रेवेन्यू ये जो कंपनी है, ये जो नेटवर्क है वो आपको दे देती है। लाइक जैसे कि मेरा एक कंपनी है, ठीक है, मैंने एक कंपनी खोली है कंप्यूटर्स की, ठीक है, तो मुझे अब क्या चाहिए, कंप्यूटर के कस्टमर्स। तो अब मैं मान लो मैक्स बॉन्टी का नाम रख देता हूँ, मैं मैक्स बॉन्टी, तो अब मैं मैक्स बॉन्टी के पास गया और मैक्स बॉन्टी को मैंने कहा कि मुझे मेरे कंप्यूटर कंपनी के लिए मुझे बहुत सारे लीड्स चाहिए। तो मैक्स बॉन्टी ने मुझे कहा कि ठीक है सर, हम आपको लीड्स दिला देंगे, आप हमें इतना पैसा दे दो, मान लेते हैं $1,000, तो $1,000 मैं इनको दूंगा। अब $1,000 में से ये आपको कुछ परसेंटेज देंगे, कुछ परसेंटेज रखेंगे, मान लेते हैं 50% ये रखेंगे और 50% देंगे। तो अब इनका जो ऑफर है वो ये जो नेटवर्क है यहाँ पर लिस्टेड हो जाएगा मैक्स बॉन्टी में, फिर हम लोग यहाँ पर रजिस्टर करते हैं और हमारे जैसे बहुत लोग यहाँ पर रजिस्टर करते हैं और ऑफर को पिक करते हैं और सही कस्टमर तक ले जाते हैं। तो यही पूरा एक प्रोसेस है सीपीए मार्केटिंग का, जो बहुत ही ज्यादा ईजी है। सो आई होप गाइज आपको इसका प्रोसेस समझ में आया कि ये प्रोसेस कैसे करता है, कैसे सीपीए का जो नेटवर्क है वो काम करता है, बिकॉज ये चीज जो बेसिक चीजें हैं उसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है जो लोग थोड़े ऊपर लेवल में होंगे, जो आजकल एड रन करते होंगे, उनको ये सारी चीजें पता है, पर गाइज प्लीज मैं आपको ये बोलूंगा कि ये चीज जो है इसको रिपीट करके देख लो, बाद में ये आपके माइंड में सेट हो जाए, बिकॉज जब आप काम करते हो वहां आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको सिर्फ आगे चलते जाना है। तो इसलिए अभी जो है, हाँ मुझे पता है कि आपके लिए ये सारी वीडियोस हमेशा अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बट अगर अभी से आप अपने माइंड को मतलब एक अच्छे जोन में डालते जाओगे, एक नॉलेजेबल जोन में डालते जाओगे और उसको इम्प्लीमेंट करते जाओगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। तो ये तो एक छोटी सी चीज मैंने बताई कि सीपीए का प्रोसेस कैसे होता है। अब मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस चीज को जानने के बाद लोगों में बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग और सीपीए मार्केटिंग का डिफरेंस क्या है। बिकॉज जैसे आपको मैंने सीपीए मार्केटिंग का प्रोसेस बताया, तो ये रिलेट करता है एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोसेस से। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं वो चीज आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज जब ये चीज दोनों क्लियर हो जाएगा कि सीपीए मार्केटिंग क्या है और एफिलिएट मार्केटिंग क्या, तब आप और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके चीजों को इम्प्लीमेंट करते जाओगे। बिकॉज गाइज अगर आपको डाउट उठेगा और लगेगा कि ये ऐसा है ये ऐसा है, तो आप वहीं फंस के रह जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि आप फंसो मत और आगे बढ़ते जाओ। तो अब सीधा देख लेते हैं कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग, यहां पर आपको सेल करना रहता है, यू नीड टू सेल एनी प्रोडक्ट एंड अ प्रोडक्ट। एंड जो सीपीए मार्केटिंग है वहां पर आपको सेल नहीं करना रहता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है इन एफिलिएट मार्केटिंग एंड सीपीए मार्केटिंग। बट जो सीपीए मार्केटिंग है दैट इज द पार्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन जब लोगों ने देखा कि सीपीए मार्केटिंग जो पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग का, और यहां पर आप अपने पैसे लगा के एड्स में या कहीं पर भी, मतलब एड्स में ही एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, ठीक है, तो एड्स में पैसे लगा के आप अपने रेवेन्यू को 2x, 3x, even 4x भी कर सकते हो, तो लोगों ने सीपीए मार्केटिंग को उठा के एक अलग ही ट्रेंड में डाल दिया, ठीक है, और जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसको एक अलग साइड में ले लिया। सो अब क्या हुआ कि सीपीए मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों आमने सामने हो गए, मतलब वैसे, ठीक है, तो अब दोनों आमने सामने हो गए, तो अब लोग क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस बताते हैं, जबकि ये सीपीए जो है वो बेटा है एफिलिएट मार्केटिंग का। इट्स मीन कि एफिलिएट मार्केटिंग बाप है,
यस गाइस, बट यहां मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, आपको डिफरेंस ही बताऊंगा, कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करता हूं। सो जो सीपीए मार्केटिंग मैंने बताया कि आपको वहां सेल नहीं करना रहता है, और एफिलिएट मार्केटिंग में आपको सेल करना रहता है। एफिलिएट मार्केटिंग में जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। सीपीए मार्केटिंग में जब आप किसी नेटवर्क के लिए किसी कस्टमर का डाटा उठा के उस तक लेके आओगे, तो बस डाटा देने का आपको कुछ कमीशन मिलता है। जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग में जो कमीशन होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है, लेकिन सीपीए मार्केटिंग में जो कमीशन रहता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है और उसकी कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है। डिफरेंस जो है गाइज वो ये है कि आपका जो सीपीए मार्केटिंग है उसमें आपको जो भी आपका कस्टमर रहता है उसके एक एक्शन के बाद आपको पैसा मिल जाता है, चाहे वो ईपीसी फॉर्म में हो चाहे वो आपका कमीशन फॉर्म में हो। यस गाइस, मतलब जैसे कि कोई कस्टमर आपके ऑफर को क्लिक किया और अपना डाटा दिया तो आपको पैसा मिलेगा, बट अगर वो सिर्फ क्लिक करता है और अपना डाटा नहीं भी देता है तो एक ईपीसी होता है उससे आपको पैसा मिल जाता है, जिसका फुल फॉर्म है ऑन पर क्लिक। ठीक है, तो एक ईपीसी भी एक चीज है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे ही आपका कस्टमर आपके ऑफर पे क्लिक भी करता है तो वहां से भी आपको पैसे मिल जाते हैं। और अदर हैंड अगर आप देखो एफिलिएट मार्केटिंग, तो जब तक चीजें सेल नहीं होती हैं तब तक आपको पैसा नहीं मिलता। तो यही तीन मेजर डिफरेंस हैं इसके, जो आपको पूरी तरह से समझा देंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और सीपीए मार्केटिंग क्या होती है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। गाइस अच्छे से वीडियो को समझो, एक समरी नोट बनाओ ताकि आपको भी चीजों को समझने का मौका मिले और अंदर डीप जाने का मौका मिले, बिकॉज जब आप सेल्फ स्टडी करोगे सेल्फ इंप्लीमेंट करोगे तो आपको चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करो वीडियोस को ताकि और भी लोगों तक हम लोग पहुंच सकें और काफी लोगों की मदद कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं। बाय बाय, जय हिंद।